हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा 2749 पर, 2397 हुए इससे अब तक ठीक, 303 लड़ रहे अब भी इससे जंग, 29 गंवा चुके हैं जान, कुल 1,40,638 हो चुकी टेस्टिंग। कोरोना का बढ़ता आंकड़ा और सड़कों पर पड़ रही भीड़, लोग हैं कि मानते ही नहीं। हवाई जहाज भले उड़ने का रास्ता बने, पहले मुख्य सड़क पर एक पखवाड़े से गड्ढे तो भरे। एमएसयू ने दिया धरना और साथ ही दी चेतावनी। शहर के हर वार्ड में कचरा उठाव के लिए होगी अब अलग गाड़ी। महापौर नगर आयुक्त ने तत्काल 9 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभाओं का तांता। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का ग्राफ दरभंगा में 2749 पर पहुंचा, इसमें 2397 मरीज कोरोना को मात कर जंग जीत चुके हैं, जबकि 29 ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी, 323 अभी भी कोरोना से लड़ रहे हैं। अब तक जो कोरोना टेस्ट है वह 1,40,638 हो चुका है, जिसमें 2,749 संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार निर्देश जारी है। सरकार प्रशासन इसका प्रचार प्रसार कर रही है। मास चेकिंग अभियान, जेल जाने तक के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है कि आप बिना मास्क, सोशल डिस्टेंस के सड़क पर न उतरे। दुकानें सील हो रही है, लेकिन सड़कों पर नियम की धज्जियां लगातार उड़ रही है। ऐसे में जो एक तपस्या है, एक संघर्ष है, 22 मार्च से अगर हम भारत की बात करें, जहां जनता कर्फ्यू लगा था और उसका 6 महीना पूरा हो रहा है, कुछ दिनों की बात और है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, कोरोना से लड़ाई लड़नी है। ये तपस्या में बाधा, ये भंग, कहीं हम इसके शिकार तो नहीं। ये जांच कोरोना का, ये दृश्य लगातार हर दिन सैकड़ों में जांच होती है और आंकड़ा बढ़ता जाता है। कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़ता है और सड़कों पर लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के बाद अनलॉकडाउन शुरू होता है, लेकिन भीड़ है कि घटती नहीं, बढ़ ही रही है। 2749 कोरोना पॉजिटिव अब तक निकल चुके हैं, ये स्थिति है। और सड़कों पर ये वर्तमान सोमवार की भीड़ है, जहां सोशल डिस्टेंस की बात होती है, मास्क लगाने की बात होती है, जिलाधिकारी से लेकर एसएसपी तक निकलते हैं। कोरोना से लड़ना तो है, लेकिन कोरोना से डरना भी है। ये अलग बात है कि डरना गलत बात है, लेकिन कोरोना से डरना भी सीखिए और कोरोना से बच करके लड़ना भी सीखिए, अन्यथा कोरोना की गिरफ्त में जो परिवार आता है उनसे जा करके पूछिए।
खुशकिस्मत हैं वे जिन्होंने कोरोना को जंग में हरा दिया, ऐसे लोगों की संख्या 2397 हैं, लेकिन बदकिस्मत हैं वे 29 जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये 29 जान गंवाने वाले के परिवार से पूछिए कि कैसी परिस्थिति होती है। घर के सदस्य चले जाते हैं और सामाजिकता पारिवारिकता का तार तार हो जाता है, लोग सबके पास भी नहीं पहुंच पाते, मन महसूस कर रह जाते हैं। यह है कोरोना का कोहराम। 323 अभी भी इससे लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामना है कि ये जंग जीत जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 29 आंकड़ा पहुंच चुका है, 700 से ऊपर बिहार में आंकड़ा है। ऐसी परिस्थिति में, इस बढ़ती भीड़ में कोरोना को हम कब तक रोकेंगे? 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के बाद लगातार वैक्सीन आने की बात, अभी उसमें समय है, लेकिन 2020 विकास की बात छोड़ दीजिए, जिंदगी बचाने का, जिंदगी को संवारने नहीं, जिंदगी को सुरक्षित रखने का वर्ष है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2021 में ही वैक्सीन आने की संभावना है, और तब तक हम न सचेते, जिंदगी को हम न बचा सके तो बहुत अफसोस आएगा, ये लगातार बीटीएन न्यूज कहता रहा है। जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने योद्धा बनकर कोरोना के युद्ध में सहयोग दिया है, उनकी तपस्या को मत भंग कीजिए। ये भीड़ बहुत कुछ कह रही है, इस भीड़ में कोरोना को प्रवेश मत करने दीजिए। जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि इसी भीड़ में कोरोना के संक्रमित कहीं ना कहीं अनजाने में मिल जाएंगे, और आपका बॉडी अगर नहीं काम करेगा तो संक्रमण आपके घर तक फैलेगा। जरा सोचिए उनका क्या दोष है आपके परिवार का, जहां आप इस सड़क से संक्रमण को अपने घर के बच्चे बुजुर्ग महिलाओं तक ले जाएंगे, इसलिए इस भीड़ से बचिए। सरकार लाख कोशिश करे, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक कोरोना का ग्राफ यूं ही बढ़ता रहेगा, मौतें होती रहेंगी, संक्रमण का दायरा बढ़ता रहेगा। म्यूजियम के सामने मुख्य सड़क पर गड्ढा है एक पखवाड़ा से। भले ही हम हवाई जहाज बनाने की बात कर लें, लेकिन हमें छोटी छोटी समस्याओं को भी देखना होगा। हम बड़ी बीमारी का इलाज कर लें, लेकिन सर्दी खांसी बुखार भी इलाज जरूरी है, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़े। लेकिन जब मुख्य सड़क स्टेशन के समीप ये हाल है, और इसकी सुधली मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने धरना देकर प्रशासन का काम खोलने की कोशिश की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर काम नहीं हुआ तो आगे आंदोलन और होगा। ये छोटा सा गड्ढा है, लेकिन मुख्य सड़क पर है। छोटा गड्ढा किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये वीआईपी सड़क है, मुख्य पथ है, स्टेशन के पास है। एक पखवाड़े से अधिक यह टूटा हुआ है, और संबंधित विभाग इसकी सूद न ले तो सूद लेने पहुंचा मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन परिवार। धरना देकर कान खोलने की कोशिश की कि आप सुन लीजिए, ये हमारा विरोध है, और अगर आप न चेते तो आगे और आंदोलन होगा। हवाई जहाज उड़ाने की बातें हो रही है, लेकिन एक पखवाड़ा तक जब मुख्य सड़क का यह हाल हो तो क्या कहना। छोटी छोटी समस्याओं पर भी ध्यान देना प्रशासन का चौतरफा काम, तभी सजग प्रशासन कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ हवाई जहाज उड़ने से नहीं, इन छोटी सड़कों पर भी ध्यान देना होगा। ये तो बड़ी सड़कें हैं, छोटी सड़कों के अंदर जाएं तो फिर क्या कहना। नारे प्रशासन संबंधित विभाग के विरुद्ध। म्यूजियम गुमती के समीप एक दिवसीय सांकेतिक धरना के मध्य में बैठे हुए हम लोगों की मांग है, जो मुख्य सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो चुका है, जो जानलेवा साबित हो सकता है, जो कल को किसी की जान ले सकता है, इसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना के मध्य में बैठे हुए हैं। हम लोग मांग करते हैं नगर निगम प्रशासन से, पीडब्ल्यूडी विभाग से, कि जल्द से जल्द आकर इसका मरम्मतीकरण किया जाए, और जो स्टेशन गुमती के पास जो लगातार जाम की समस्या बनी होती है, लोग का आए दिन यह सड़क 4 से 5 घंटे तक। हर वार्ड में कचरा उठाव के लिए अब एक गाड़ी होगी, और पार्षदों को गुहार नहीं लगानी पड़ेगी।
50 गाड़ियां आई है दरभंगा नगर निगम में और इसके लिए 9 गाड़ियां निकालकर शुरुआत भी की गई। हालांकि यह वार्ड को मुहैया नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही यह मुहैया होगा। महापौर वैजयंती देवी खेरिया और नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर 9 गाड़ियों को रवाना किया सोमवार। दरभंगा नगर निगम ने 50 गाड़ियों की खरीद की है और अब हर वार्ड में एक गाड़ी होगी। हालांकि प्रथम चरण में 9 गाड़ी की शुरुआत हुई। महापौर वैजयंती देवी खेरिया और नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया। महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने इस अवसर पर कहा, अभी प्रथम चरण में आज 9 गाड़ियां निकली हैं और हम लोग अभी किसी वार्ड में भी नहीं दिए। मेन रोड पे जो VIP रोड है ये सब है, उसमें अभी ये भ्रमण करेगी, पूरा उठाएगी। शायद ड्राइवर अभी डिप्यूट नहीं हुए, डिप्यूट होने के बाद हर वार्ड पे गाड़ी दे दी। आज हमारे दरभंगा शहर में नगर निगम के माध्यम से बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। हमने 50 टीपर और JCB रोलर सब उन्होंने व्यवस्था की है और हम चाहेंगे हर वार्ड को जनता से अपील करेंगे कि सूखा गीला कचरा अलग अलग रखें और जिस तरह आपके पास गाड़ी जाएगी आप उसी में उसको कूड़े को डालें। मैडम इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है क्या? अभी तत्काल में क्योंकि शहर में जो पुराना बैकलॉग कूड़ा भी काफ़ी ज़्यादा था, उसके लिए हम लोग विशेष अभियान चलाकर लगातार मुख्य मार्गों से कूड़ा उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि नगर निगम के पास 50 ऑटो टिपर उपलब्ध है, साथ ही गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की भी आवश्यकता है, उसके लिए संबंधित एजेंसी से भी पत्राचार हो चुका है और बहुत जल्दी ही सभी ऑटो टिपर के लिए ड्राइवर की उपलब्धता हो जाएगा। साथ ही प्रचार प्रसार के लिए भी सभी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम के साथ लगातार माइकिंग वगैरह के लिए भी इंतजाम की व्यवस्था किया गया है, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और सभी घरों को इसके लिए सैनिटाइज किया जाएगा कि सभी लोग अपना अपना गीला और सूखा कचरा अलग अलग डब्बे में रखें और जो भी उनके घर में संग्रहण के लिए आए उसको गीला कचरा अलग दे, सूखा कचरा अलग दे। 135 करोड़ की योजना का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल करेंगे 15 सितंबर को, यह जानकारी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने। संसदीय क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल 15 सितंबर को करेंगे, यह जानकारी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह उद्घाटन होगा। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के विकास कार्य को देखते हुए मोदी सरकार में रेलवे का तेज गति से आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण किया जा रहा है। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि 135 करोड़ की लागत से दरभंगा थलवाड़ा रेलखंड का दोहरीकरण, लहरियासराय स्टेशन पर 6 करोड़ की लागत से बने नए भवन, वेटिंग हॉल तथा हाई लेवल प्लेटफॉर्म संख्या 1 एवं 2, थलवाड़ा स्टेशन पर 5 करोड़ की लागत से बने नए स्टेशन भवन, वेटिंग हॉल तथा हाई लेवल प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 2 करोड़ की लागत से लहरियासराय माल गोदाम में नया वार्फ एरिया का लोकार्पण होगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का आंकड़ा 2749 पर, 2397 हुए इससे अब तक ठीक, 303 लड़ रहे अब भी इससे जंग, 29 गंवा चुके हैं जान, कुल 140638 हो चुकी टेस्ट। कोरोना का बढ़ता आंकड़ा और सड़कों पर पड़ रही भीड़, लोग हैं कि मानते ही। हवाई जहाज भले उड़ने का रास्ता बने, पहले मुख्य सड़क पर एक पखवाड़े से गड्ढे तो भरे। MSU ने दिया धरना और साथ ही दी चेतावनी।
शहर के हर वार्ड में कचरा उठाव के लिए होगी अब अलग गाड़ी। महापौर नगर आयुक्त ने तत्काल 9 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभाओं का तांता। दरभंगा महानगर राजद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किया पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया के आवास पर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से भी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद के निधन पर शोक सभाओं का तांता है। खेड़िया हाउस में महापौर बैजंती देवी खेड़िया, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया सहित दर्जनों राजद नेताओं ने रघुवंश प्रसाद सिंह के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया पूर्व पार्षद रीता सिंह के आवास पर। उनके निधन पर हम लोग शोक सभा में सम्मिलित हुए हैं सभी आदमी। प्रोफेसर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की का निधन प्रदेश का और देश का समाज का बहुत बड़ा क्षति है। इनके क्षति को पूर्ति नहीं किया जा सकता है। इनके किसान नेता समेत अन्य नेताओं पर दिल्ली दंगे के फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश, रोक लगाने की मांग सहित कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। किसान नेता समेत अन्य नेताओं पर दिल्ली दंगे के फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश पर रोक लगाने सहित कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद दिवस मनाए जा रहे हैं। प्रतिवाद इन बातों के लिए है जो मोदी जी की सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश का कानून बनाने के लिए इस सेशन में पार्लियामेंट में वो लागू करेंगे। वो तीनों अध्यादेश किसान विरोधी है। किसानों के जो उत्पादन थे उसके कीमत सरकार तय करती थी, अब वो मार्केट तय करेगी, पूंजीपत तय करेगी। उसकी सीमा थी कितना आप स्टोर कर सकते हैं, 7 इसी कानून था, उनको उन्होंने निरस्त किया। अब जिसके पास कैपिटल है वो अकूत संपत्ति से उसको एक जगह इकट्ठा करेगा और अपने टर्म पर वो वस्तु को बेचेगा, महंगाई बढ़ेगी। और तीसरा है जो मंडी कानून को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। बिहार में तो पहले बाजार समिति खत्म हो गई थी, इसलिए देशव्यापी इसका प्रतिवाद हो। अखिल भारतीय पैमाने पर अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान संगठनों की ओर से देशव्यापी अभी जो खेती में 3 अध्यादेश विधेयक आया है उसके खिलाफ देशव्यापी आज प्रतिवाद कार्रवाई हो रही है। बीएड सत्र 2018 से 20 में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड सत्र 2018 से 20 तक में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बीएड सत्र 2018-20 के प्रशिक्षु शिक्षक हैं। हम लोगों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में 35,000 अतिरिक्त शुल्क देने के लिए महाविश्वविद्यालय के तरफ से फरमान जारी किया गया है। हम ये सब बिहार सरकार और राजभवन तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि बिहार सूबे नहीं, भारत सरकार ने पूरे विश्व में एक भी विश्वविद्यालय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कहीं भी 35,000 या कोई भी शुल्क बढ़ोतरी हुई है नहीं हुई है। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन हम सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को ये प्रताड़ित कर रहा है जो 35,000 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा तभी हम आपको परीक्षा फॉर्म भरने देंगे, नहीं तो वंचित कर देंगे। 18-20 सेशन के हम तमाम छात्र छात्राओं यहाँ पे उपस्थित है। विगत सालों भर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा पूरे बीएड के छात्रों के साथ मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान और तंग करने का काम कर रहा है। इसके बीच वैश्विक महामारी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में हमारे देश में, हमारे गांव परिवार में जो आर्थिक तंगी हुआ, पारिवारिक तंगी हुआ, उस दरमियान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एक तानाशाह फरमान जारी करता है और छात्र छात्राओं को वाजवरन 35,000 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क जमा करने के लिए कह रहा है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत नगर विधायक संजय सरावगी के कोष से दरभंगा टावर के निकट 2,56,000 रुपए की लागत से सुभाष चौक के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन हुआ।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत निर्मित ऐतिहासिक सुभाष चौक का सौंदर्यीकरण का उद्घाटन नगर विधायक सह प्राकलन समिति के सभापति संजय सरावगी ने किया। मैंने विधायक कोष से इसकी राशि दी और आज यह पहले से सुंदर और अच्छा चौक बना है और इसकी चौड़ाई की आवश्यकता थी, लेकिन मुझे कहा कि लक्ष्मण जी वो आपका वाद पड़ता है और सुभाष बाबू का जो है बड़ा चंद्रा के बीच में सुभाष बाबू, सो हम चाहेंगे कि आप उसे खड़ा होकर और बिजली विभाग को मैं स्वयं कह दूंगा वो तार फार खोल वोल जितना है वो सहयोग करेंगे हटा देंगे और आप स्वयं उसे खड़ा होकर बना दीजिए। NH 57 पर अली नगर के निकट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से सोमवार को जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम के तहत LED वैन रथ गाड़ी को झंडी देकर रवाना किया नगर विधायक। NH 57 अली नगर के निकट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम के तहत LED वैन रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया नगर विधायक संजय सरावगी ने। कैंपेन लॉन्च किया है जो बिहार में और मिथिला में जो आत्मनिर्भर लोग बनेंगे, आत्मनिर्भर से ही गौरव का बोध होता है और जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है पूरे देश में और बिहार और मिथिला में, आज मखाना को ब्रांडेड करने का निर्णय किया गया, आज मखाना के साथ साथ मछली के लिए इतना सारा काम किया जा रहा है। अब जब से प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं वो अपने कार्यकाल में चाहे वह जनधन योजना के माध्यम से हो या फिर पेंशन के मामला माध्यम से हो चाहे जो भी क्षेत्र हो उसमें खास करके मिथिलांचल के लिए अपना दिल खोल चुके हैं। आज केवटी प्रखंड में कोठिया पंचायत के बाजितपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की जीर्णोद्धार के लिए टीम द्वारा एक धरना दिया गया। केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के बाजितपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की जीर्णोद्धार के लिए केवटी विकास अभियान के तहत सोशल सोल्जर्स टीम द्वारा धरना दिया गया। चिकित्सा सेवा बहाल करो, उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवा बहाल करो, आवाज दो हम एक हैं। केवटी विधानसभा विकास अभियान के तहत कुटिया पंचायत के बाजितपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर धरना पर इसलिए बैठे हैं कि 2008-09 के बीच में ही यह मकान बनने का काम शुरू हुआ है, इसके अभिकर्ता थे विनोद मंडल, उसके बाद यह मकान बन करके तैयार हुआ और इसका सारा यानी रंग रोगन तक का पैसा जो है उठ गया लेकिन आज तक यानी अपने अस्तित्व में नहीं आया। टीम के द्वारा यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है वह सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है कि इस वाजिदपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र की जीर्णोद्वार की जाए, इसकी देख रेख की जाए। इसे जिला परिषद सदस्य अतहर रूमी सहित कई जनप्रतिनिधियों की हत्या पर पुलिस पदाधिकारियों की निष्क्रियता, पीड़ित परिवारों पर मुकदमा, आंदोलनकारियों पर मुकदमा व केवटी के लाहवार मलिया टोल में एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ इंसाफ मंच ने काला पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाया। जिला परिषद सदस्य जमाल अतहर रूमी की सहित जनप्रतिनिधियों की हत्या पर पुलिस की निष्क्रियता, पीड़ित परिवारों पर मुकदमा, आंदोलनकारियों पर मुकदमा व केवटी के लाहवार मलिया टोल में एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ इंसाफ मंच ने काला पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाया। के भीतर में लगातार दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर लगातार अपराधियों के जरिए राजनीतिक हत्या हो रही है, लेकिन दरभंगा जिला की पुलिस अपराधियों के पकड़ने के बजाय आंदोलनकारी जो लोग हैं जो हत्यारा को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, आज ऐसे ही लोगों पर मुकदमा दर्ज करके उनके अन्याय की आवाज़ को दबाना चाहती है। जब से मोदी नीतीश की सरकार बनी है पूरे बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, कोई लोग सुरक्षित नहीं है और प्रशासन का भूमिका बहुत ही संदिग्ध है, अपराधियों के साथ मिलकर के नंगा नाच कर रहा है और ये लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुआ है।
पिछले दिन दरभंगा में जब आंदोलनकारी लोग अपनी मांग उठाने आए, उन लोगों पर फर्जी मुकदमा लाद करके इन लोगों को जो है आपको आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। तो मेरा नाम अशोक पासवान, CPIML नेता भाजपा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का आंकड़ा 2749 पर 2397 हुए इससे अब तक ठीक। 303 लड़ रहे अब भी इससे जंग। 29 गंवा चुके हैं जान। कुल 140638 हो चुकी टेस्ट। कोरोना का बढ़ता आंकड़ा और सड़कों पर पड़ रही भीड़, लोग हैं कि मानते ही। हवाई जहाज भले उड़ने का रास्ता बने, पहले मुख्य सड़क पर एक पखवाड़े से गड्ढे तो भरे। एमएसयू ने दिया धरना और साथ ही दी चेतावनी। शहर के हर वार्ड में कचरा उठाव के लिए होगी अब अलग गाड़ी। महापौर नगर आयुक्त ने तत्काल 9 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभाओं का तांता। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर जाइए। नमस्कार, जय हिंद।